नमस्कार और आप सलाम का आप देख रहे हैं सार न्यूज। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ वार्ड 48 में। इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी वार्ड पार्षद भी है, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी हैं। वो लगातार हर तरह का आवाज उठाते भी रहे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है ये यहाँ पर आके हो रहा है कि 19 जून को कार्यकाल नगर निगम पटना का खत्म हो रहा है। अब इसको आगे कैसे विस्तार होगा, चुनाव कब तक होगा, इसी विषय में उनसे जानना चाहेंगे। इसलिए सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी है और 48 वार्ड पार्षद बहुत मजबूत साथी हैं। ये समझिए नगर निगम के लोगों के बीच बहुत ही एक्टिव है। इन्हीं से जानना चाहेंगे सर, ये 19 जून को जो समाप्त हो रहा है इसको आगे कैसे विस्तार। देखिए, ये तो 19 जून के जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो बड़ा ही चिंतनीय विषय है कि 19 जून के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो विकास के कार्य होते हैं या आमजनों की सुख सुविधा का जो ख्याल रखा जाता है सरकार के द्वारा या सरकार के तंत्र के द्वारा, तो निश्चित तौर से इससे उससे प्रभाव पड़ेगा। मानना है कि ससमय चुनाव कराना भी राज्य सरकार का और राज्य निर्वाचन आयोग की जवाबदेही बनती है और इससे जो व्यवस्था उत्पन्न हुई इसका ये सरकार जवाबदेह है। तो सरकार से जो होती है इस तरह सरकार को हमारी अपनी सीमाएं होती हैं और इसमें खुद कि आम जन तक अगर किसी की पहुँच है तो स्थानीय निकाय के लोगों की ही पहुँच है। और वैसी परिस्थिति में जो है कि आप देखिए कि आम लोगों का काम ही बाधित होगा। एक व्यक्ति जो है कि उसकी पहुँच ये विधायक या माननीय सांसद या पदाधिकारी गण जो है उतना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो उनकी पहुँच सबसे आसान पहुँच जो है वो तो वैसी परिस्थिति में उनकी आशाएँ और उम्मीद जो है हम जनप्रतिनिधियों से ही जुड़े हैं। तो ससमय चुनाव हो जाने से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ बहाल रहती हैं, अच्छी रहती है। और आज की स्थिति ऐसा है कि जिस तरह से डीले हो रहा है और इसकी आने वाले जिस तरह संभावनाएँ दिख रही हैं, उम्मीद है कि चुनाव 2 महीना 3 महीना 4 महीना लेट हो सकता है। तो इस परिस्थिति में हम सरकार की पहल थी जिसकी हम सराहना भी करते हैं कि अभी पंचायत का चुनाव हुआ था तो पंचायती राज व्यवस्था की तरफ नगर निकाय आती है तो नगर निकाय में और पंचायतों में सरकार की तरफ से 2-3 तरह की नीतियों में जो विरोधाभास है वो ये है कि आपको जो है कि पटना नगर निगम हो या नगर निकाय के मुख्य हों तो सरकार के यहाँ या तो जो विकल्प या तो प्रशासक बहाल करें या तो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए मतलब उसको कंटिन्यू किया जाए। और अभी हाल ही में सरकार ने पंचायतों को वो अधिकार दिया था, उन्होंने क्या था जब तक चुनाव नहीं हुआ हाँ एक कमेटी बना करके और साथ में जो भी उन्हें जो पार्क मतलब मुखिया हुए सरपंच हुए उनके पावर को बतौर परामर्शी के तौर पे उसको कंटिन्यू किया गया था। काम कहीं बाधित ना हो इसी विषय में लोगों को सोचना चाहिए, सरकार को भी निर्वाचन जाकर यही कहना। मेरा स्पष्ट कहना है कि काम बाधित ना हो और मैं तुम सीधा मानता हूँ चुनाव ससमय चुनाव नहीं हुआ तो इसकी जवाबदेही सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग की है, न कि इलेक्टेड मेम्बर्स की। तो इससे काम प्रभावित होगा और अगर जो व्यवस्था पंचायतों में की गई है वो व्यवस्था अगर नगर निकायों में कर दी जाए जब तक कि चुनाव नहीं होता है, इनके जो जनप्रतिनिधि इलेक्टेड मेंबर हैं उनको सशक्त रखा जाए, वो अधिकार दिए जाए जिसके होगा ये कि जो भी काम है वो व्यवस्था और जो भी लोग हैं वो उनको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, नहीं तो अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसी अगर इस तरह कोई निर्णय नहीं होता देखिए जो भी इलेक्टेड मेंबर हैं तो निश्चित तौर से वो फर्दर 2019 तारीख के बाद में जो है 19 जून 2022 के बाद से वो निवर्तमान पार्षद हो जाएंगे। तो निवर्तमान पार्षद की जब तक वो दूसरे पार्षद इलेक्टेड होकर नहीं आते तब तक वही पार्षद होगा। तो अंतिम सहारा तो आम लोगों के बीच में वही है, वही एक माध्यम भी होंगे और लोग का उन्हीं पर विश्वास भी होगा जब तक कि कोई नए इलेक्टेड मेम्बर्स चुन के नहीं आ जाते। तो हम तो वो करी हैं सरकार के बीच में, सरकार के सिस्टम के बीच में, सरकार की जितने भी तंत्र हैं उसके बीच में अगर कोई करी का काम करता है तो वो स्थानीय पार्षद लोग हैं, तो हम उसका दायित्व तो हम तब भी निर्वहन करेंगे जब तक कि चुनाव नहीं होता है और जब तक नए लोग चुन के नहीं आ जाते हैं तब तक आप सेवा करते तो हम निश्चित तौर से सेवा करते रहेंगे। और चूँकि जहाँ तक मेरी बात है तो मैं विशुद्ध रूप से एक्टिविस्ट हूँ, विशुद्ध रूप से रंगकर्मी हूँ, कलाकार हूँ, तो सेवा मतलब समझिए मेरा जुनून है। और मेरा 20-25 साल का अगर आप देखिए मेरा आप पीछे जाइएगा तो चुनाव ना कि ये सेकेंडरी विषय है, चुनाव लोगों के प्यार और विश्वास से हम जीत के चले आए हैं
तो वो तो मेरे खून में सेवा बसा रखे, उसमें भी कोई कमी हम अपने वार्ड के लोगों को नहीं होने देंगे। चुनाव हो ना हो तो हम अपना दायित्व निभाते हैं।